हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 16, प्लेइंग विद नंबर्स। लास्ट वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 16.1 और कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स को देखा था। हम एक बार इसको डिविजिबिलिटी रूल्स को दोबारा देख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम थी। फर्स्ट हमने जो डिविजिबिलिटी रूल्स बताए थे उसमें फर्स्ट वन था डिविजिबिलिटी बाय 10, कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम 10 के कुछ मल्टीपल्स देखेंगे। हमने 10 के मल्टीपल्स देखे। 10 मल्टीपल्स हम कैसे देख सकते हैं? 10 × 1, 10 × 2, 10 × 3, इस तरीके से। ठीक है, यानी उसमें हम 1, 2, 3 इनसे मल्टीप्लाई करके। तो हमने 10 × 1 किया, 10 × 2 किया, 10 × 3 किया, 10 × 4 किया, 10 × 5 किया, अप टू सो ऑन। इस तरीके से ये आपके 10 के मल्टीपल्स आ गए, 10, 20, 30, 40 एंड 50, इस तरीके से आ गए। ठीक है, अब हम सब में अगर चेक करें तो हम देख सकते हैं कि सब डिजिट्स में जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 0 आ रही है। ठीक है, हम इसको अगर आगे फर्दर भी कंटिन्यू करेंगे तो इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अ नंबर is divisible by 10 if its last digit means कौन से digit हो जाएगी, ones place वाली। ये तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, last digit कौन सी हमारे पास हो जाती है, ones place वाली digit जो होती है वो क्या हो जाएगी, 0। अगर last digit यानी ones place की digit अगर आपके पास 0 है तो that means वो full number आपका 10 से divisible होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल था हमारे पास डिविजिबल बाय फाइव। प्रोसीजर इसमें भी हमारा सेम रहेगा। 10 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमने मल्टीपल्स को चेक किया था, सेम एज हम 5 के डिविजिबल के लिए हम 5 के मल्टीपल्स को चेक करेंगे। एंड 5 के मल्टीपल्स जब हम देखेंगे, 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, 5 × 5, 5 × 6 एंड अप टू सो ऑन। इस तरीके से हमने 5, 6 तक मल्टीपल्स लिखकर देखे। तो हमने सब में देखा कि हमारे पास लास्ट डिजिट क्या आ रही है, या तो सब में 5 आ रही है, ठीक है, या सब में 0 आ रही है, यही आ रही है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि उसकी वंस डिजिट हम क्या लिखेंगे। इफ वंस डिजिट और लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5, देन इट इज डिविजिबल बाय 9। अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट या वंस डिजिट 0 या 5 है तो वो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। सो वो नंबर आपका किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास था फर्स्ट वन डिविजिबिलिटी बाय 10, सेकेंड वन था डिविजिबिलिटी बाय 5। नाउ नेक्स्ट वन विच इज डिविजिबल बाय 2, ये हमारे पास 5 और 10 के सबसे ईजी वाले थे। अब हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी बाय 2, कोई नंबर 2 से हमारा डिवाइड होगा या नहीं, उसे हम कैसे चेक करेंगे। 2 के लिए हम उस नंबर के लिए क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर करते हैं हम। हमने 2 के मल्टीपल्स देखे तो हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड अप टू सो ऑन। इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास वंस डिजिट क्या आ रही है, या तो 0 आ रही है, या 2, या 4, या 6, या 8, इसी तरीके से आ रही है। आप बोल सकते हो एक तरीके से इवन नंबर्स हैं आपके पास, है ना, बस 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इवन नंबर्स हैं ये आपके पास। अब हम बोल सकते हैं इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, 2, 4, 6,
एंड 8, या तो 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो वो पूरा नंबर हमारा क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल्स आप लोगों की क्लास में ऐसे डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं पूछे जाते, आप लोगों से पूछा जाएगा कि वो नंबर 5 से डिवाइड है या नहीं, वो नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं, इस तरीके से आपको ये नंबर्स पूछे जाते हैं। ओके ठीक है, हमने देखा 2 के डिविजिबिलिटी में या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, अगर इसमें से कोई भी डिजिट है तो दैट मीन्स वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ओके यहाँ तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन इज डिविजिबल बाय 9 एंड 3। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट वन डिविजिबल बाय, पहले हम 3 देख लेते हैं ठीक है, 2 के बाद 3। डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर अब हम ऑड नंबर्स नहीं देखते, हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारे पास नंबर दिया होता है उसका हम सम लेते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स। एंड इफ सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब अगर हम जो भी डिजिट्स ले रहे हैं उसका हमने सम किया और वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। लेट सपोज हमने कोई नंबर लिया, लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट सपोज हमने नंबर लिया 2, 1, 4, 6 एंड 2, हमने इस तरीके से एक नंबर ले लिया ठीक है। अब हमने क्या बोला, मैंने बोला कि हमें इन डिजिट्स को ऐड करना है, ऐड करना है हमने, ऑन एडिंग जब हम इनको ऐड करेंगे 2 + 1 + 4 + 6 + 2 इट इज 2 and 1 3 and 4 7 and 6 13 and 2 15 ठीक है। हमारे पास ऐड करके क्या आया, 15 आया। अब हमने देखा कि 15 हमारा 3 से डिविजिबल है या नहीं है ठीक है। इसके लिए अगर आपको 15 भी नहीं पता तो आप इसको फर्दर ऐड करके देख सकते हैं, 1 and 5 is 6 है ना, तो ये 6 जो है हमारा डिविजिबल बाय 3 है, तो वी कैन से दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके हमने क्या बोला, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर सम डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके यहां तक क्लियर है। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 9 के डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, 9 के डिविजिबिलिटी के लिए भी हम सेम प्रोसीजर यूज करते हैं जो हमने 3 के डिविजिबिलिटी के लिए यूज किया था, वी ऐड द डिजिट्स ऑफ द नंबर, दैट मीन्स सम ऑफ द डिजिट्स हमें फाइंड आउट करनी है ठीक है। हमने सम ऑफ द डिजिट्स लिया, लेट सपोज हमने एक नंबर ले लिया 3, 5, 7 and 3, हमने ये नंबर लिया ठीक है। इसमें जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं 5, 3 + 5 + 7 + 3, 3 and 5 8, 8 and 7 15 and 3 18, 18 जो है वो हमारा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा है ना। वी नो दैट 18 इज डिविजिबल बाय 9, तो पूरा का पूरा नंबर हमारा क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। सम अप के लिए आप क्या बोल सकते हैं, इफ सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 or 3, या तो 9 से या 3 से अगर वो डिविजिबल है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 or 3। अगर 9 से वो नंबर डिविजिबल है तो वो 9 से डिवाइड होगा, 3 से अगर वो नंबर डिविजिबल है तो वो 3 से डिवाइड होगा ठीक है। याद रखिएगा 3 के वो सारे नंबर्स जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं वो 9 से डिवाइड हों। मैंने कहा जो भी नंबर्स 3 से डिवाइड होते हैं वो ज़रूरी नहीं है 9 से डिवाइड हों। अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो इसमें हम देख सकते हैं 6
6 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होता लेकिन 3 से हो जाता है। सिमिलरली 21 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जितने भी नंबर 9 से होंगे वो 3 से तो हो जाएंगे, बिकॉज जब हम 9 के फैक्टर्स करेंगे तो वो हो जाएगा 3 into 3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम कोई भी नंबर अगर 9 से डिवाइड है तो वो 3 से तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो 3 से, जो 3 से नंबर डिवाइड हो रहा है वो 9 से भी डिवाइड हो। ओके, यहाँ तक क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कम टू एक्सरसाइज 16.2। डिविजिबिलिटी रूल हम देख चुके हैं, अब 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ 2, 1 by 5, क्या दे सकती हुई आपको 2, 1 by 5। क्या बोला है, 9 का एक मल्टीपल है, इज अ मल्टीपल ऑफ 9, वेयर y इज अ डिजिट, जहाँ पे y एक डिजिट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल है, मल्टीपल है। अगर ये पूरा नंबर 9 का मल्टीपल है तो दैट मीन्स ये पूरा ही नंबर 9 से डिविजिबल भी होगा। ठीक है, एंड अभी हमने डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ा, दैट इज 2+1+5y+5 मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, यही होना चाहिए। 2, 1, y and 5 जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या हो सकता है, 2 and 1 3 and 5 8, 8+y मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, ये होना चाहिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे 8 में आप क्या ऐड करो कि 9 से डिविजिबल हो जाए, इट कैन बी 1। ओके, क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट पूछी है तो आप सिंगल डिजिट ही बता सकते हो, सो यू कैन राइट वाई कैन बी 1। ठीक है, सो दैट 8+1 इज डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 9 divided by 9। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है हमारे सिंगल सिंगल ही आंसर आए, हमारे डबल भी आंसर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खाली 1 ही आएगा, बिकॉज 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, इस तरीके से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम 10 रख देंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 हमारा 9 से डिवाइड होता है, लेकिन y सिंगल डिजिट पूछी है इसलिए आप यहाँ सिंगल नंबर ही बताएंगे, दैट इज y इक्वल्स टू 1 इज द आंसर फॉर दिस वैल्यू। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है 3, 1, z, 5, क्या बोल रखा है, एक मल्टीपल है किसका, 9 का एक मल्टीपल है, और यहाँ पे z क्या है, एक डिजिट, सेम वे ये डिवाइड बाय 9 होना चाहिए, सो यू कैन राइट 3+1+z+5 मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। इसे ब्रैकेट में ही रखिएगा क्योंकि इन सबको पहले आपको सम करना है। ठीक है, 5 and 3 8 and 9, 9+z divided by 9। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, 9 तो ऑलरेडी 9 से डिवाइड है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, z की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, बिकॉज 0 रखेंगे तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, और हमारी z की वैल्यू क्या हो सकती है, 9। ठीक है, क्यों, जब हम 9 में ये 9 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, एंड 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपकी दो डिजिट्स आ रही हैं या यहाँ पे सिंगल डिजिट आपकी आंसर में आ रही है। ओके, तो यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ z कैन बी 0 एंड कैन बी 9। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इफ 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, किसका मल्टीपल बता रखा है आपको, 3 का मल्टीपल बता रखा है, वेयर x इज अ डिजिट, जहां पे x क्या है, एक डिजिट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आपको क्या बताया हुआ है, ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, 3 का मल्टीपल है यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से डिवाइड होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, 2+4+x डिविजिबल बाय 3 हो सकता है। ओके, और 6+x मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, लेकिन 6 तो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, तो सेम वे में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो 0। ठीक है, और यहाँ पे आपकी मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, 0 हो सकती है, और क्या वैल्यू हो सकती है, अगर आप 3 रख दो,
ठीक है, 6 and 3 9, तो वैल्यू आपकी 3 भी हो सकती है, और आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ 6 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं, 9 and 6 15। इसके अलावा आप बोलेंगे हम 12 भी तो रख सकते हैं, लेकिन हम 12 नहीं रख सकते, बिकॉज 12 इज़ अ 2-डिजिट नंबर और यहाँ आपको सिंगल डिजिट वंस प्लेस वाली डिजिट बतानी है, ठीक है, टेंस और वंस के साथ नहीं बतानी, क्लियर है। तो इट कैन बी 0, इट कैन बी 3, इट कैन बी 6 एंड इट कैन बी 9 ऑल्सो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज सेम, 3 1 z 5, इफ 3 1 z 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, यानी इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सेम वे में 3 and 1 and z and 5 मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, और यू कैन राइट 5 and 3 15 प्लस 6 5 and 3 8 प्लस 1 9, 9 प्लस z डिवाइडेड बाय 3। अब 9 तो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, तो आपकी z की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अब यहाँ आप 3 रख देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम वे में 6 भी हो सकता है एंड 9 भी हो सकता है, तो यहाँ भी आपकी मल्टीपल वैल्यूज निकल कर आई हैं। ओके, तो इस चैप्टर की रिवीजन यहाँ पे फिनिश होती है, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, थैंक यू।